सो गाइस वी हैव स्टेड हियर राइड इन, ये हमारे शर्मा जी खड़े हैं, यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है इनका और व्यू भी बहुत अच्छा है, मस्ट ट्राई। सारे राइडर्स मोस्टली यहीं आते हैं, ये इनकी वॉल है, देखें इन्होंने कुछ चार्जेस बताए हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू मोटरसाइकिल राइडिंग, इट्स अ गुड प्लेस एंड गुड फूड ऑल्सो। So guys, we have started our motorcycles back from Manali. Now we are going towards Jispa. Hopefully, हम लोग करेंगे जिस्पा तक राइड करते हैं आज, फिर आगे शिंकुला जो है वो कल करेंगे। हम बस स्टार्ट कर लिए मोटरसाइकिल्स, चल रहे हैं। ब्यूटीफुल व्यू है मनाली का भी, बट मनाली ऑलरेडी कई बार करा हुआ है तो इसलिए मन था कि चलो चलते हैं। चलिए गाइज चलते हैं। गाइज ये व्यू देखिए आप, अगर दिखता है तो नदी है, पुल से निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से निकलना, इट्स ऑसम। हिमाचल बहुत सुंदर है, बहुत फ़ैन हूँ मैं हिमाचल का, यहाँ एक अलग ही ब्यूटी है। चलिए बस अब चल रहे हैं। यहाँ पर हिमाचल में तो दिल बसा हुआ है, हिमाचल और ख़ासकर ये मनाली से आगे वाला रूट आप लोग को दिखाऊँगा, जो आप लोग गए हुए हैं जो लोग वो तो रिलेट कर लेंगे, मगर एकदम से ना व्यू ही चेंज हो जाता है मनाली के बाद से, बहुत सुंदर सा व्यू आता है। आप ये देखिए, देखने की कोशिश दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, वो सुंदर सा रिलैक्स सा, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, राइडर्स पैराडाइज है ये जगह, राइडर्स बहुत इंजॉय करते हैं। अभी आपको अटल टनल के बाद से ना एकदम से, वो कहते हैं ना एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, वैसे ही है वहाँ पे, एकदम से ही मतलब व्यू चेंज होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब इतना ब्यूटीफुल है कि मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड में कहीं इतना ब्यूटीफुल नहीं होगा। चलिए नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अटल टनल, चलते हैं। गाइस देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे, यहाँ मैं जब 10th क्लास में था तब इधर आया था अपने फ्रेंड्स के साथ मनाली, ट्रेन पे आए थे हम लोग, ट्रेन पे अनंतपुर साहिब तक आए थे, वहाँ से आके से हमने कैब की थी, टैक्सी की थी, उस पर आए थे। तब मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम, तब रोहतांग का रास्ता होता था, रोहतांग जाया करते थे लोग, मैं रोहतांग गया था तो वापसी में यहीं से आ रहे थे, आई डोंट नो ये वाला एरिया था या एग्जैक्टली कौन सा था, तो वहाँ पर पैराग्लाइडिंग की थी मैंने फर्स्ट टाइम, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था। और यहाँ मैंने पैराग्लाइडिंग की थी और उसके बाद मैंने तो खैर स्काई डाइविंग भी की हुई है, मैंने US में की थी स्काई डाइविंग, तो इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है पैराग्लाइडिंग का और स्काई डाइविंग का। स्काई डाइविंग तो नेक्स्ट लेवल है, मैंने बंजी भी की है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बंजी मैंने की है हांगकांग में 765 फीट से, आई डोंट नो कि राइट नाउ वो हाईएस्ट है या उससे ऊपर कोई होगी है, बट मैंने की थी 2015 या 16 में की थी, तब वो वर्ल्ड हाईएस्ट थी। और उसके बाद मैंने स्काई डाइविंग की थी USA में, तो वो थी आई थिंक 12,000 फीट से, तो ये दोनों चीज़ें की थी, दोनों का वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है, करना बनता है, तो वही कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो करना तो चाहिए अगर एडवेंचर पसंद है तो, बिकॉज एक्चुअली मेरा क्या फंडा है, मैं ये मानता हूँ कि मैं ना किसी भी चीज़ को बिना करे नहीं मरना चाहता, मरना सबने तय है, लाइफ है तो मैं सब कुछ करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, तो इसीलिए थोड़ा सा एडवेंचर पसंद है मुझे, कि स्काई डाइविंग भी की है मैंने, बंजी भी की है मैंने, फ्री फॉल भी की है, वो मैंने नेपाल में की थी भोटे कोशी में चाइना बॉर्डर पे, द लास्ट रिजॉर्ट था उसका नाम, वहाँ पे की थी जब मैं राइड पे गया था, तो मैंने वो पैरा सेलिंग भी की है, वो जो स्पीड बोट के पीछे बांध देते हैं, वो मैंने अपनी वाइफ के साथ की थी मॉरिशस में, तो करा सब कुछ ही है, अंडर वाटर भी, सी के अंडर वाटर भी गया हुआ हूँ, स्कूबा डाइविंग सब कुछ किया हुआ मैंने, तो बस वो है ना मन नहीं भरता। अब आजकल ये मोटरसाइकिलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा है, खैर ये मैं पिछले 8-10 साल से है, तो इसमें कुछ को बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। चलिए बने रहें, अब चलते हैं अटल टनल की तरफ, जो कि बहुत ही सुंदर और अच्छी है। मैं लास्ट 2 मंथ्स पहले आया था, अब दोबारा आप लोग के साथ चलता, तब मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था और ना मैं बाइक पे था, तब मैं कार पे था। चलिए चलते हैं। दिस इज़ अटल टनल, वन ऑफ द
लार्जेस्ट टनल इन माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, और ये हम एंटर कर रहे हैं अटल टनल। देखिए व्यू चेंज होना शुरू हो गया है, और जैसे ही टनल के परली साइड हम निकलेंगे तब एकदम से व्यू चेंज मिलेगा। ये टनल काफ़ी अच्छी बनी है, मतलब आज के टाइम से बहुत ही अच्छी बनी है टनल, और वर्ल्ड लार्जेस्ट है हमारे लिए। इंडियंस होने के बाद ये शान की बात है कि भाई लार्जेस्ट टनल हमारे इंडिया में बनी है, और बहुत अच्छी बनी है, वेल मेंटेन्ड है। चल रहे हैं, हम इसके पार जाके रुकेंगे और आपको एक व्यू दिखाऊंगा अच्छा सा। चलिए चलते हैं। ये टनल गाइस सीरियसली काफ़ी लंबी है, और ठंड भी है इसके अंदर, और अभी मतलब काफ़ी ठंड फील हो रही है, और जगह जगह ये साइंस लगे हुए हैं मेंटेन स्पीड, तो आई एम मेंटेनिंग स्पीड, आई रिस्पेक्ट ट्रैफिक रूल्स। सो गाइस टनल इज़ ओवर, अब एक बाहर निकलते ही एक अलग सा व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत ही अलग सा व्यू आएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टुवर्ड्स ले या जिस्पा, व्यू बदलता ही जाएगा। देखिए व्यू, ये टूरिस्ट प्लेस बन गया है, यहाँ पर बहुत लोग खड़े होते हैं, खुला आसमान है चारों तरफ, सुंदरता बहुत ही ब्यूटीफुल है। अटल टनल, हाँ व्यू देखो यार, एक कमाल का सुंदर है। और जब तक लद्दाख तक जाएंगे पहाड़ अपने अपने रंग बदलते रहते हैं, मतलब और सुंदर होता जाता है। अगर ऐसे पहाड़ों से प्यार है तो ये वाली खूबसूरती तो पूरे मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी। इतने खुले खुले पहाड़, लैंडस्केप देखो क्या ऑसम है यार। ये वही है ना, देखा मनाली के बाद अटल टनल पार करते ही देखिए कितना व्यू चेंज हुआ है, कि वही एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, बहुत ही सुंदर है, मेस्मराइजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। गाइस वी आर इन सिसु राइट नाउ, इट्स अ प्लेस आफ्टर जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम अटल टनल। इन लोग को अपनी बाइक में कुछ नट बोल्ट टाइट करवाने हैं, तो ये लोग रुके हैं, तो वहीं यहाँ रुके हैं। ये छोटा सा विलेज है, अच्छा है। गाइस यार रोड देखो क्या कमाल का, और कितना रिलैक्स है, यहीं पर दिल खोया हुआ है मेरा। और ये पहाड़ों का मुकाबला ना पूरे वर्ल्ड में कोई कर नहीं सकता, और सुंदरता यहाँ बेहद है। और मुझे ना ऐसे रोड्स पे राइड करना ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे ना थोड़ा अनकमर्शियल है, ज़्यादा कमर्शियल जगह पे ना बहुत भीड़ होती है और थोड़ा सा गंदगी भी हो जाती है ज़्यादा कमर्शियल जगह पे, फिर वो बात नहीं रहती। अब ये अनकमर्शियल है, यहाँ पर चाहे एक छोटा सा एक टेंट मिल जाए, एक रूम मिल जाए, मैं ऐसी जगहों पर रहना पसंद करता हूँ। बस अब राइडिंग स्टार्ट करी है मैंने आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, 2 राइड्स अच्छी अच्छी कर चुका हूँ, आगे और भी करूँगा, आप लोग को ऐसी अनकमर्शियल जगहों पर ही घुमाऊँगा। मेरा फोकस यही रहता है कि थोड़े अनकमर्शियल जगह पे जाऊँ। और ये तो जो खासकर ये वाला पार्ट है, ये तो कमाल है, दिल लद्दाख ये ऐसा ही है, मतलब जहाँ भी देखो सुंदरता ही सुंदरता, पहाड़ों की सुंदरता, रिलैक्स, मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। चलिए चलते हैं आगे, अभी हम जिस्पा जा रहे हैं, जिस्पा इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स मोर, और रास्ता देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है, गवर्नमेंट काम तो कर रही है, तो रोड अच्छे बने हुए हैं, कनेक्टिविटी अच्छी रह रही है, ट्रैवल टाइम कम हो रहा है। इतने सीनरिक व्यू के साथ अच्छे रोड्स मिल जाएं तो और क्या चाहिए, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलते हैं। यार गाइस व्यू देखो, इधर जितना देखो उतना व्यू अच्छा दिखता है, मतलब हर तरफ ही सुंदरता बसी हुई है। तो मन करता कभी दिल्ली छोड़ के यहीं कहीं सेटल हो जाऊँ, एक अच्छा सा कैफ़े खोल लूँ, राइडर्स कैफ़े, और जो राइडर्स आया करें उनको अच्छे से उनकी सर्विस दूं, और उनको आगे घूमने का प्लान वगैरह बना लूं। मेरा प्लान है, फ्यूचर प्लान है, ऐसा मन करता है, बिकॉज मेरा यहाँ रहने का, सेटल होने का मन करता है। बाकी देखते हैं, भगवान को ज़्यादा पता, क्योंकि हम लोग सोचते कुछ हैं और ऊपर वाले ने प्लान कुछ और किया होता है हमारे लिए, तो जो उसने किया अच्छा ही प्लान किया होगा। कि टांडी ब्रिज आ गए और हम लोग चल रहे हैं, यार कितना सुंदर है देखो, हवा ही अलग है इधर। मैं 2010 में भी आया हुआ हूँ, वैसे 2015 में भी आया हूँ, अब दोबारा आया हूँ, लास्ट टू मंथ्स पहले जब आया था तब वो सिर्फ अटल टनल तक ही आया था, इतना आगे नहीं आया था। तो बहुत ब्यूटीफुल है, रास्ता भी बहुत अच्छा बना दिया, क्या पहाड़ है सुंदर। चलिए आगे चलते हैं, आपको और सुंदर सुंदर दिखाऊंगा। गाइस जैसे जैसे ऊपर आते आ रहे हैं,
ठंड बढ़ती जा रही है, व्यू भी सुंदर होता जा रहा है और हम लोग लेट हो गए हैं। अभी हम जिसपा पहुँचेंगे और बस हार्डली 15 किलोमीटर्स रह गए हैं और रोड बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, अनकमर्शियल है, मतलब ट्रैफिक नहीं है, इतना स्मूथली चल रहा है, मज़ा आ रहा है राइड करने का। अभी हम लोग जिसपा पहुँचेंगे, वहाँ पर एक कैंप में स्टे लिया हुआ है, वो स्टे करेंगे और होपफुली रात में कोई बारिश या स्नोफॉल टाइप्स कुछ ना हो तो हम लोग कल अर्ली मॉर्निंग वहाँ जाएंगे शिंकुला पास। मेरा मन भी था शिंकुला पास जाने का, तो चलो हो रहा है तो करेंगे, ज़रूर करेंगे। गाइस हम यहाँ रुके हैं ये कैंप में, मैं क्या थोड़ा सा आपको ऊपर से एक बार व्यू दिखा दूँ। जिसपा जर्नी रिजॉर्ट रिवर साइड कैंप एंड कैफ़े, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। कितना ब्यूटीफुल है यार। चलिए नीचे चलते हैं, छोटी सी वीडियो बनाते हैं इसकी। चलिए अब हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ कैंप में स्टे लिया हमने, थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रेल है बट कोई नहीं, ये तो छोटा मोटा ही है। वाह मज़ेदार, रिवर साइड मिल गया, सुंदर है, सीनरी बहुत है। और ये बस 10-20 दिन ही हो रहा है, इसके बाद ही हट जाएंगे ये कैंप्स वाले, वाइंड अप कर लेते हैं, फिर ये नेक्स्ट ईयर लगेंगे आफ्टर 20 डेज आई थिंक, फिर ये बंद हो जाएगा सब। तो हमने कहा चलिए हम भी एक स्टे करके देखते हैं, फिर अगले साल ही मौका मिलेगा, इस साल तो अब दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। सो वी हैव रीच्ड जिसपा जर्नी रिजॉर्ट एंड वी आर स्टेइंग हियर फॉर टुनाइट एंड टुमारोज प्लान टू गो टू शिंकुला। गाइस हैव अ लुक, वी आर स्टेइंग हियर इन दीज टेंट्स इन जिसपा एंड दिस इज माय टेंट। आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि किस तरीके का है ये टेंट है। देव अनदर देव, दो दो देव हैं और ये भाई लोग अभी बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रहे हैं। ये टेंट है,